हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी कोरोना महामारी से लड़ाई भी लड़ रहे होंगे अपने घर बैठे। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, कोरोना वायरस, COVID-19 नोवल कोरोना वायरस, एक ही नाम है ये। तो आपको पता है कि आज की डेट में पूरे विश्व का सबसे बड़ा टॉपिक ही कोरोना वायरस बना हुआ है और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। चांस नहीं, डेफिनेटली हैं। तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस COVID-19 से बने हैं, हम धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा इशू बन चुका है ये, तो हम एक दिन में से कवर नहीं कर सकते। मैं आपको डेली के 10-15 के करीब क्वेश्चंस कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आप समझ सको COVID-19 है क्या, कैसे आया, कैसे कैसे ये काम कर रहा है। मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड, जो भी रिसेंटली भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह लेकर आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, आज का हमारा टॉपिक है COVID-19। COVID-19, इसका एक्चुअल में नाम है कोरोना। कोरोना वायरस एक्चुअल में इसका नेम है कोरोना वायरस। कहते हैं कि ये सबसे पहले कहां पर आया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि COVID-19 कोरोना वायरस सबसे पहले कहां पर आया, तो ये आया था चाइना का एक शहर है वुहान। वुहान शहर चाइना का एक शहर है, वहां से आया था ये कोरोना वायरस। पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई लैब से आया है, कोई कहता है वुहान के अंदर मछली मार्केट है वहां से लाया गया है, चमगादड़ों के कारण फैला है। लेकिन ये बात तो श्योर है कि ये वायरस चाइना के अंदर चमगादड़ों के द्वारा फैला है। तो इसीलिए अगर हम चाइना को चाइना न कर चमगादड़ों वाला देश कह दें या चमगादड़ों के सूप को पीने वाला देश कह दें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है जिसका खामियाजा उसके अलावा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। तो वुहान शहर से आया है ये वायरस। चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है साथियों बीजिंग। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी, ध्यान रखना, आपने एक ही करेंसी पढ़ी होगी, चाइना की दो करेंसी है, युआन और दूसरी करेंसी है रैन बिन बिन। चाइना की दूसरी करेंसी क्या है साथियों? रैन बिन बिन है। युआन और रैन बिन बिन, ये दोनों ही चाइना की ऑफिशियल करेंसी है। करंट टाइम पे चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ये कौन है वर्तमान में? प्रेजेंट के चाइना के प्रेसिडेंट हैं। चीन के क्या है? ये प्रेसिडेंट है। चाइना का सबसे बड़ा शहर है ग्वांगचू। चाइना का सबसे बड़ा शहर है ग्वांगचू, ध्यान रखना है, ये वहां का सबसे बड़ी सिटी है ग्वांगचू। और ये कोरोना वायरस कहां से आया है? वुहान शहर से आया है। चाइना के अंदर, वुहान के अंदर मछली मार्केट के अंदर ये वायरस आया था सबसे पहले नवंबर के अंदर। लेकिन चाइना, आपको पता है, कभी कोई अपनी देश की बातें शेयर नहीं करता किसी से। चाइना के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने लगी। बाद में चाइना ने WHO, नाम सुना होगा आपने, WHO, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की फुल फॉर्म होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी? WHO की स्थापना की गई थी। WHO का हेड ऑफिस कहां पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। WHO का हेड ऑफिस है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का हेड ऑफिस है साथियों जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। बात करें WHO,
क्वेश्चन एक और निकल के आया, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है साथियों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। और करंट टाइम पे अगर बात करें WHO के CEO या WHO के डायरेक्टर कह दो या चेयरमैन कह दो, WHO के चेयरमैन है Tedros Adhanom Ghebreyesus, ध्यान रखना है, WHO के चेयरमैन है Tedros Adhanom Ghebreyesus। WHO पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्थ से रिलेटेड काम करता है, कोई विश्व में अंदर कोई बीमारी आई है, कुछ इलाज नहीं संभव हो पा रहा है, उसके लिए काम कौन करता है, WHO काम करता है। चाइना ने WHO को बताया कि हमारे देश के अंदर बहुत सी मौतें हो रही है, एक वायरस आ गया है हमारे देश के अंदर जिसका नाम है कोरोना। चाइना ने WHO को इसके बारे में कब बताया कि हमारे देश में एक कोरोना वायरस आ चुका है जो चमगादड़ों के कारण फैला है, जिसके कारण हमारे देश में बहुत मारामारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों का केस पॉजिटिव आ रहा है, इसके बारे में चाइना ने WHO को कब बताया? तो चाइना ने WHO को बताया 31 दिसंबर 2019 को यह बात WHO को बताई, लेकिन WHO ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि चाइना इससे पहले भी ऐसे कारनामे कर चुका है। चाइना कहता कुछ है करता कुछ है, उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, वो देश के लिए नहीं पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। WHO को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि चाइना इससे पहले ही बहुत कुछ कर चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? चाइना के वुहान शहर से हुई थी। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना के करेंसी क्या है? युआन और रेनमिनबिन। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ग्वांगचू शहर है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। हेड ऑफिस है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आपको लगेगा स्विट्जरलैंड की कैपिटल होगी जिनेवा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हेड ऑफिस किसी कंट्री की कैपिटल में ही हो। स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, और स्विट्जरलैंड की करेंसी है साथियों फ्रैंक। आपके एग्जाम में कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी है इसकी फ्रैंक, और स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा जहां पर WHO का क्या है, हेड ऑफिस है। और WHO से रिलेटेड वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है हर साल? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चाइना ने WHO को कोरोना वायरस के बारे में कब बताया? 31 दिसंबर 2019 को इसके बारे में बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें उसके बाद जनवरी का महीना आया, नया साल आया, हम बढ़िया तरीके से काम करते रहे, ठीक है। चाइना के अंदर आया हुआ था, इंडिया को इतना पता नहीं चला। इंडिया के अंदर अगर बात करें, क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे, मैं सारी बात करूंगा इंडिया की, कि भारत में पहला मरीज कहां पर मिला? भारत में कोरोना का पहला मरीज कहां पर मिला? पहला कोरोना पॉजिटिव केस कौन से राज्य में मिला? पहला मरीज वाला राज्य। तो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव केस मिला हमें केरला के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कब मिला? 30 जनवरी 2020 को। बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि पहला मरीज कहां पर मिला था, कौन से राज्य में मिला था? तो केरला के अंदर मिला था। कब मिला था? 30 जनवरी 2020 को। पहली डेथ कहां हुई थी? पहली मृत्यु वाला राज्य है। कोरोना वायरस के कारण भारत देश के अंदर पहली मृत्यु कौन से राज्य के अंदर हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक।
कर्नाटक के अंदर पहली कोरोना पॉजिटिव के कारण डेथ हुई थी। अब जब केस बढ़ने लग गए धीरे धीरे, तो हमारे देश ने क्या सोचा, हमें अपने देश के अंदर लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लोगों को घरों में बंद कर देना चाहिए ताकि ये वायरस फैल ना सके। तो क्वेश्चन आता है, पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य, पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य, ये हमारे स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य बना है राजस्थान। इंडिया में सबसे पहले लॉकडाउन किसने लगाया था, राजस्थान ने लगाया था। कुछ स्टेट्स ने कर्फ्यू भी लगा दिया था अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर। तो क्वेश्चन आता है, पहला कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा बना है, तो साथियों पंजाब बना है। लॉकडाउन का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा, ये जरूरत नहीं आपको बताने की। लॉकडाउन अपने आप को घरों के अंदर क्या कर लेना, बंद कर लेना, बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन है। लगाने वाला राज्य कौन बना है, सबसे पहले राजस्थान। अब ये एक इंडिया के अंदर महामारी बन गई थी, इंडिया के अंदर धीरे धीरे मौतें होने लगी, केस बढ़ते गए, तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, महामारी घोषित करने वाला, पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य बना है हरियाणा। ये सारे मैं आपको साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहा हूं सारे, आप अच्छे तरीके से नोटबुक पेन लेकर बैठना और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। पहला मरीज कहां पर मिला था, केरल के अंदर मिला था। कब मिला था, 30 जनवरी 2020 को मिला था। पहली मृत्यु कौन से राज्य में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा था, राजस्थान था। पहला कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा था, पंजाब था। और महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हरियाणा। जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया था वो है हरियाणा। मैं कुछ और बातें बता देता हूं। केरला की बात करें, केरला की, तो केरला की कैपिटल है साथियों, ध्यान रखना है, केरल की तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखना है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट में सीएम है, ध्यान रखना है आपको, कौन, पिनाराई विजयन। केरल के प्रेजेंट में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद क्या है, इसके गवर्नर हैं। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका की कैपिटल क्या है साथियों, बेंगलुरु। कर्नाटक के प्रेजेंट में सीएम है बी एस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं बज्जू भाई वाला। राजस्थान की बात करें, मैं राजस्थान के बारे में यहां लिख देता हूं, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कलराज मिश्र। देखिए साथियों, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपके काम की ना हो, हर एक चीज आपके काम की है। आपसे कैपिटल पूछी जाती है, सीएम पता होने चाहिए, गवर्नर भी हमें पता होने चाहिए। तो आप कोशिश करो, अगर अच्छे नोट्स बना रहे हो तो एक नोटबुक पे लास्ट पे आप हेडिंग लिख लीजिए, स्टेट कैपिटल सीएम और गवर्नर। तो कैपिटल स्टेट का नेम, उनके सीएम और गवर्नर भी आप साथ साथ लिखते रहिए, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पंजाब की बात करें, तो पंजाब की कैपिटल आप सभी को पता है साथियों क्या है, चंडीगढ़ है। जी हां साथियों, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ के आपको सभी को पता होगा रॉक गार्डन कहां पर है साथियों,
तो रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चंडीगढ़ का सॉरी रॉक गार्डन का पुराना नाम क्या है, रॉक गार्डन को और किस नाम से जाना जाता है, या रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी, रॉक गार्डन का नाम किसके नाम पर रखा गया था, यह आप मुझे बताइए चंडीगढ़ के अंदर जो है। पंजाब के सीएम की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर की बात करें तो पंजाब के गवर्नर है साथियों, ध्यान रखना है, बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर, ये क्या है साथियों, पंजाब के गवर्नर हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के मैं यहां लिख देता हूं हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल भी क्या है साथियों, चंडीगढ़ है। जी हां साथियों, हरियाणा की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल क्या है साथियों, चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। तो कम से कम आपको साथियों हर एक स्टेट के बारे में इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि उसकी कैपिटल क्या है, उसके सीएम कौन है और उसके गवर्नर कौन है, कम से कम हमें इतनी चीज पता होनी चाहिए। धीरे धीरे मैं आपको और इसके बारे में फैक्ट बताया करूंगा कि हाई कोर्ट के जज कौन है, वहां पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, टेंपल्स कौन कौन से हैं स्टेट के, स्टेडियम्स कौन कौन से होते हैं, या स्टेट्स के फेमस नृत्य कौन से होते हैं, ये भी हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। लेकिन कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो केरला की आप केवल, कर्नाटका की बेंगलुरु, राजस्थान की जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़, और हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है साथियों, ध्यान रखना है आपने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक हमारी बात खत्म हुई कि इंडिया के अंदर कैसे कब आया। WHO को जब देखा कि चाइना ही नहीं, इंडिया, अमेरिका, ब्राजील, रशिया, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के अंदर भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इस क्वेश्चन पर मेरा नाम लिख लीजिए कि WHO ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया। रट लीजिए इस क्वेश्चन को साथियों, WHO ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया, क्योंकि WHO पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, इसने कोरोना महामारी को एक वैश्विक बीमारी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में कब घोषित किया। तो राइट आंसर होगा आपका 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया, और WHO ने ही कोरोना का एक नया नाम दिया जिसे हम सभी कहते हैं COVID, COVID-19। तो क्वेश्चन आता है COVID-19 नाम किसने दिया, WHO ने दिया। कुछ नाम देने का मतलब है, ऐसे नहीं है कि नाम दिया है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब है डिसीज। 19, याद है मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, चाइना ने WHO को कोरोना के वायरस में कब बताया, 31 दिसंबर 2019 को बताया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है COVID-19, कोरोना वायरस डिसीज 19 नाम इसका रखा गया है। तो ये नाम इसे किसने दिया, ये नाम इसे दिया WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ये नाम दिया है, और इसे महामारी कब घोषित किया, 11 मार्च 2020 को घोषित किया साथियों। और भारत के अंदर कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है साथियों, वो बना है हरियाणा। क्लियर है साथियों,
इसके बाद आप सभी को पता होगा हमारे देश के माननीय रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की एकजुटता को इकट्ठा करने के लिए, देश को एक ही सूत्र के अंदर पिरोने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमारे देश के डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, नर्स, इनके सम्मान के लिए मोदी जी ने 22 मार्च को कौन सा अभियान चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 22 मार्च को मोदी जी ने कौन सा अभियान चलाया था, या उस कर्फ्यू का नाम था, आप सभी ने सुना होगा, जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू, तो जनता कर्फ्यू भारत देश में कब लगाया गया था? 22 मार्च 2020 को मोदी जी के आह्वान पर भारत देश के अंदर जनता कर्फ्यू लगाया गया था। देखा होगा आप सभी ने कि घरों से बाहर नहीं निकलना, हमें घरों में ही रहना है और अपने देश को बचाने का प्रयास करना है, और इस कोरोना की जो कड़ी है इसको भी हमें तोड़ना है, इस चैन को हमें तोड़ना है। साथियों, हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है और अपने पढ़ाई की चैन को क्या करके रखना है, जोड़ कर रखना है। साथियों, हमारे जीवन में ऐसा ही जुनून होना चाहिए कि हम मन लगा के पढ़े। ये लॉकडाउन हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है, इसलिए आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। कोरोना की चैन को तोड़ना है और पढ़ाई की चैन को जोड़े रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपके लिए सरस्वती क्लासेस लेकर आया है, लॉकडाउन क्लास। जी हां साथियों, मन लगा के अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। तो जनता कर्फ्यू कब लगाया गया साथियों? 22 मार्च को लगाया गया था। किसने लगाया था ये? हमारे देश के रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान रखना है साथियों। क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है। साथियों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हमारे देश के 15वें नंबर के क्या है साथियों? प्रधानमंत्री है। 15वें नंबर के क्या है? ये प्रधानमंत्री है साथियों, ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी जी, इनका चुनाव सभा क्षेत्र कौन सा था? मोदी जी हैं, इलेक्शन लड़कर आए होंगे, कहां से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने? नरेंद्र मोदी जी का चुनाव सभा क्षेत्र कौन सा रहा साथियों? जी हां साथियों, वाराणसी। इनका चुनाव सभा क्षेत्र था वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है साथियों। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ प्रेशर डालता है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए हमारे देश के वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है साथियों? तो ये भी आप लिख लीजिए, हमारे देश के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह क्या है? वर्तमान में हमारे क्या है? हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं साथियों। हर्षवर्धन सिंह भी मिनिस्टर बने हैं, एमपी है ये, कहीं से चुनाव लड़कर आए होंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का चुनाव सभा क्षेत्र कौन सा है, ये कहां से चुनाव लड़े और जीत कर संसद में आए? तो इनका चुनाव सभा क्षेत्र है साथियों चांदनी चौक। इनका चुनाव सभा क्षेत्र है साथियों चांदनी चौक। जी हां, सभी जने जानते हो दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, पराठे वाली गली, लाल किला मशहूर है, गए होंगे आप सभी जने। तो चांदनी चौक क्या है साथियों? इनका चुनाव सभा क्षेत्र है। मोदी जी का चुनाव सभा क्षेत्र कौन सा है साथियों? वाराणसी, उत्तर प्रदेश है। और 22 मार्च को हमने क्या लगाया था साथियों? जनता कर्फ्यू लगाया था। जी हां साथियों, ध्यान होगा आप सभी ने, खूब तालियां पीटी होगी आपने, खूब प्लेटें तोड़ी होगी आपने, प्रांत बचाई होगी किसी ने, और किसी ने किसी को और भी तोड़ा भी होगा, है ना? तो ध्यान रखना है, जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों आप इसका। और इस जनता कर्फ्यू के बाद हमारी भारत सरकार ने क्या किया, पूरे भारत देश के अंदर लॉकडाउन लगाने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो सबसे पहला लॉकडाउन फर्स्ट कब लगा? लॉकडाउन फर्स्ट, जिसे हमें कई बार कहते हैं 0.1 या 1.0, लॉकडाउन 1.0 भारत देश में कब लगा साथियों? तो यह लगा था 25 मार्च 2020 से लेकर
14 अप्रैल 2020 तक हमारे देश में क्या लगा था साथियों, आपको ध्यान होगा 21 दिनों का लॉकडाउन लगा था साथियों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंटिन्यू कि लॉकडाउन फर्स्ट में क्या हुआ, देश में हमने क्या क्या काम किए, कौन कौन सी योजनाएं लेकर आए, लॉकडाउन सेकंड में क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इसको यहां तक लर्न करने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने के साथ साथ आपको बताने की भी नॉलेज मिलेगी आपको, कि आप किसी को बता भी सकते हो कि कोरोना पॉजिटिव क्या है, कैसे नहीं है, पूरा डिटेल से बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे आपको। तो ध्यान रखिए साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें साथियों, धन्यवाद।